नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मटेरियल में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इससे संबंधित, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2019 से संबंधित हम बात करेंगे। दोस्तों इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन पर बात करने से पहले मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं लगातार, तथा जो नए भाई मुझसे जुड़ने वाले हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो अब क्या है कि 15 अगस्त का अरेंजमेंट चल रहा है, तो इसके चलते हुए वीडियो नहीं आ पाई है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही लगता है यार। लेकिन जो कमेंट्स के आधारित पर मैंने वीडियो बनाई है, कि कमेंट्स में भाइयों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, सर वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, कब तक, अब तक क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है आज थोड़ा टाइम निकाल के। ठीक है दोस्तों, टाइम तो मिल जाता है, लेकिन यार फिर कुछ और करने लग जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी भाइयों, है ना। तो अगर किसी भी भाई को फिर भी अगर कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट में जो बोलता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि 8-9 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, ये तो है नहीं कि भाई उसमें फालतू वो करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मज़े करने भी ज़रूरी हैं, ठीक है, तो उसी के लिए और मैंने थोड़ा टेक्निकल जो है अपने, जैसे कोई ऐप आती है या फिर कुछ और है, या फिर एडिटिंग किस प्रकार करते हैं, देखिए दोस्तों उसके प्रति एक मैंने चैनल बनाया है, व्लॉग्स के प्रति। देखिए दोस्तों, मैं कहीं घूमने जाता हूँ या फिर कहीं और, तो उसमें नई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों तक पहुँच पाए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मुझे मज़ा भी आता है, इसलिए मैं वो करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हो तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हो, ज़्यादा अपलोड नहीं की मैंने, 2-3 वीडियो अपलोड की है, लेकिन आप वहाँ जाके उस चैनल पे उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियोज़ अच्छी लगे, अगर मेरे साथ बना रहना है तो। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस वैकेंसी से संबंधित बातें, ठीक है, कि वैकेंसी 2019 की क्या अपडेट है लेटेस्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, चौथा पॉइंट मैं सबसे पहले लूँगा दोस्तों, ठीक है, अफवाहों से कैसे बचा जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी अफवाहें हैं, जो भी अफवाहें फैल रही हैं, कि पहले भी मैंने देखा था कहीं कहीं कि 12 जुलाई को उन्होंने बोला था कि 12 जुलाई को फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, आपको पता ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो वही बात है दोस्तों। तो अफवाहें हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ाई से। आप भी सोचते हो, वीडियोस को देखते हो, जब आपको कहीं एक वीडियो ऐसी दिख जाती है कि उसमें लिख रखा कि भर्ती तिथि को आएगी, तो आप कोशिश करते हो कि मैं पूरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखूँ कि भाई इसने क्या बता रखा है, इतने क्या बता रखा है, ठीक है। तो उससे अपना समय बचाए, उतना आप पढ़ाई में दोगे तो आप एक क्वेश्चन तो ज़रूर सीख जाओगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ना, तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर सीख ही जाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों, आपको बताना। अब बात करते हैं वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगस्त तक वैकेंसी आने की संभावना है, और वही संभावना अभी भी जारी है दोस्तों, ठीक है, कि अगस्त लास्ट तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। बाकी देखिए, मैंने जहाँ से पूछा है, इस महीने में तो आने से रही है, तो महीना पूरा होने वाला है, और अगस्त फर्स्ट में भी नहीं आने वाली, तो अगस्त लास्ट तक वैकेंसी आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है, ये वैकेंसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट है। अब बात करते हैं दोस्तों, कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। देखिए कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, वो आपको बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी है लगभग 5.5 से 6 हज़ार वैकेंसी आने की संभावना है दोस्तों, जो पिछली भर्ती हुई थी, जो हमारे वाली हुई थी, लगभग उतना ही वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भर्ती अब तक क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों, भर्ती अब तक क्यों नहीं आई, इसका कारण हम नहीं बता सकते कि भर्ती अब तक क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों, इसका कारण हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये तो यार बड़े ऊपर से गृह मंत्रालय से ऑर्डर आते हैं, फिर आता है, इनका ये सिस्टम होता है। देखिए दोस्तों, मैं खुद तुम्हारे जैसा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इतना कुछ हमें पता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा, देखिए हमें पढ़ाई से लगा रहना चाहिए, पाँचवा पॉइंट,
हमें पढ़ाई से लगा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम ये सोचेंगे कि जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन होंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये आप नहीं, ये 60% लोग सोचते हैं कि जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन होंगे ना, उस दिन से मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सोचने वाले सिर्फ 6% ही लोग लग पाते हैं, 60 में से 6% लोग ही लग पाते हैं। अब समझ लो जो 40% लोग हैं जो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, वो कितने परसेंट, वो 94% लोग लगते हैं। 40% में से 94% लोग वो लगते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे आपका फ़ायदा ये है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे, ठीक है, आपको फिर एकदम से जोर नहीं आएगा पढ़ाई स्टार्ट करने में, ठीक, आपका फ्लो अच्छा बना रहेगा, आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, आपकी स्पीड ऐसी हो जाएगी कि आप उससे आगे ही चले जाओगे। फिर वो आपसे आगे जाने की कोशिश करेगा ना, वो आपके बराबर है दिमाग में, और वो आपसे आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा पाएगा भाई। हाँ, कोई कोई इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, वो सेल्फ स्टडी करके भी कम टाइम में भी सिलेक्शन हो जाता है उनका, मैं मानता हूँ, लेकिन सब नहीं होते, बहुत कम परसेंटेज में होते हैं ये चीज़, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन, वो है जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट निकालें, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक ले आइए, पुराने दिल्ली पुलिस कितने होंगे, नए भी प्रैक्टिस सेट आए होंगे, सब ले आइए। आप कोशिश करिए कि दिन में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट पेपर आप निकाल के ही छोड़ो। कोशिश करना कि उस पेपर को आप टाइमिंग से 10 या 15 मिनट पहले निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि उस प्रैक्टिस सेट में आपके 75+ क्वेश्चन सही हो। देखिए दोस्तों, जो मैंने प्रैक्टिस सेट निकाले थे ना, मैंने ज़्यादा नहीं निकाले, ठीक है। तो मेरे क्या है कि जो प्रैक्टिस सेट में नंबर थे वो लगभग कितने आते थे, 70 से 75 के बीच में नंबर आते थे, कभी कभी 68, मतलब 65 से और 75 के बीच बीच में नंबर आते थे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं पेपर जल्दी से जल्दी करूं। तो मेरा पेपर, मैंने जो फाइनल पेपर दिया था उसमें, सही बताऊं दोस्तों, 20 मिनट बच गई थी मेरी पेपर करने के बाद में, 20 मिनट बच गई थी, ठीक है। मेरी उस टाइम पे अच्छी तैयारी थी, मैंने अच्छा प्रैक्टिस किया था, मैं प्रैक्टिस पेपर ही ज़्यादा निकालता था, ठीक है। तो मेरी 20 मिनट पेपर में बच गई थी, ठीक है। तो वही बोलना चाहूँगा कि आप इतनी स्पीड बना लो कि आपका टाइम बच जाए, आप दोबारा से पेपर को देख, उसमें बैक करके देख सकते हो, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जीके वीके का ट्राई कर सकते हो ना, कि भाई गलती से कोई गलत निशान तो नहीं लगा दिया। तो वही बात है दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर ज़रूर निकालना। अब बात करते हैं दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित। देखिए दोस्तों, जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आने वाली है, मैं ये मानता हूँ कि वो कॉन्स्टेबल से ज़्यादा बढ़िया जॉब है, आपको उसकी भी तैयारी करनी ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो लगभग सेम है, थोड़ी इंग्लिश आएगी बस, 25 नंबर की ये फ़र्क है, तो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए मित्रों, ठीक। वो भी वैकेंसी अभी आने वाली है, अच्छी जॉब है दोस्तों। आपको वीक में 5 दिन की ड्यूटी करनी पड़ती है, वो तो हर जगह करनी पड़ेगी आपको, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इससे अच्छा और क्या होगा यार, अच्छी सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, ऑफिस का काम है सारा, इससे अच्छा और क्या होगा यार। आप एक फील्ड में काम करोगे, ऑफिस में काम करोगे, फ़र्क तो होता है, एक आपकी पोस्ट एक ऊपर होती है हेड कॉन्स्टेबल, है ना। तो आप कोशिश करना कि दोस्तों उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहना, ठीक है। अगर किसी भाई को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बता दूंगा आपको, पहले बताता हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं बताता भी हूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि भाई, मैं नहीं मानता कि, मैं ये बोलता हूँ कोई एक आधा कमेंट्स बच गया होगा जिस पर मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, नहीं बाकी ज़्यादातर मैं रिप्लाई करता ही हूँ, वो भी किसी वजह से बच गया होगा, या तो मैंने देखा नहीं होगा, फिर वैसे कुछ रीजन से रह गया होगा, वरना मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई कर उसका आंसर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों, तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। देखिए दोस्तों, आपका सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो यही मानता हूँ। अगर आप मेरे साथ बढ़ते रहोगे ना धीरे धीरे, मेरा मन भी यार करेगा, हाँ यार मेरे से 5 लोग जुड़े हैं तो उनको भी मैं कुछ बताऊँ, ठीक है, मेरे साथ 10 लोग और जुड़े यार मैं उनको भी कुछ बताऊँ। लेकिन जब है ना घटने लग जाते हैं तब यार मन ये करना, जा रहे बंदे ना तो अपने में कुछ है नहीं, फिर क्या फ़ायदा वीडियोज़ बना के। तो वही बात है दोस्तों, और अब मेरे दूसरे चैनल पे भी जाइए दोस्तों, उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपको बताने कि वैकेंसी से संबंधित क्या क्या जानकारी है। बाकी आप कोई भी पॉइंट पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।